जगह जो देख रहे हैं, ये बाहर का नज़ारा है मेरे नानी घर का। ये तालाब इकलौता तालाब, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया हॉस्पिटल है और अंग्रेज़ ही बनाए थे इस हॉस्पिटल को, स्ट्रक्चर किए थे। ये हॉस्पिटल भूतिया है, इतनी ड्रावनी हॉस्पिटल रामगढ़ में आपने कभी नहीं देखी होगी। कोई है? कोई है क्या यार? ये सच में डरावना लग रहा है, काफ़ी डरावना लग रहा है। आप देख सकते हैं, इस जगह के लोग भी इस जगह पे शायद ही आते होंगे या फिर शायद ही इसके बारे में सुने होंगे। FM, good afternoon, welcome back to another blog and hope so you all are doing well and watching my videos and enjoying. So guys, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो बनाया हुआ था बगलता पहाड़ में, पोना पर्वत धाम में, और उसके बाद फिर मैंने स्टोरी भी बनाई थी, मतलब इंस्टाग्राम में मैंने स्टोरी डाली थी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी को नहीं देखते हो या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम में नहीं हो तो प्लीज़ जा करके उधर फॉलो कर लीजिए, बिकॉज मैं यूट्यूब ब्लॉग तो बनाता ही हूँ बट स्टोरी में बहुत सारे चीज़ें ऐसे डालता हूँ जो शायद आपको देखने में अच्छा लगेगा और आई थिंक एसेंशियल पार्ट्स भी होते हैं। तो प्लीज़ गाइज उधर जा करके भी फॉलो कर लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इंस्टाग्राम का। तो आज अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपने घर, और मैं इस वक्त जहाँ पे हूँ ये है मेरा नानी घर। बचपन मेरा यहीं पे बीता है, पला बड़ा हूँ मैं यहीं पे, और ये उनका बारी है। तो ये मेरे नानी का घर है। अब यहाँ से हम लोग, मतलब मैं यहाँ से जाऊँगा अपने घर। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, आप अंत तक बने रहिए। इस ब्लॉग में भी कुछ खास ज़रूर होने वाला है, क्योंकि एक जो प्लेस रह गया था उसको मैं अभी विजिट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले नानी से मिल लेता हूँ। नाना अभी तो गए हैं किन के फ्यूनरल सिस्टम में अटेंड होने के लिए। सो ही इज़ वन ऑफ माई कज़िन, और ये मेरी नानी माँ है, मतलब मेरी दादी, मेरी नानी, सब कुछ यही है। तो बच्चों को पिला रही हैं, ये जो बकरी के बच्चे आप इस वक्त देखने लग रहे हैं, हाउ फनी ही इज़। एक्चुअली गाइस, इन बच्चों के जो माँ है ना वो अब नहीं रही है यहाँ पे, और वो फिज़िकली डैमेज है। तो ये जो बच्चे अभी देखने लग रहे हैं आप, छोटे छोटे बकरी के बच्चे, उनको ये मेरा कज़न ब्रदर जिसका नाम भीम है, वो बच्चों को अभी फीडिंग करवा रहा है। तो बड़े प्यारे प्यारे हैं ये, और नहीं पिएगा। इधर बाय कर दो, इधर बाय कर दो, तो सबको हाय करो, सबको हाय करो, इधर हाय करो, हाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय करो, देखो देखो पी रहा है। तो चलिए मैं अभी यहाँ के थोड़े बाहर के नज़ारे आपको दिखाता हूँ, और मेरा कज़न ब्रदर, बच्चों को क्या होता है ना थोड़ी चीज़ें उल्टे सिखाने पड़ते हैं, बाय बोलो तो वो बाय ऐसे करेंगे तो इसका मतलब हाय हो गया। सो ये कुछ पेड़ इधर देखने देख रहे हैं आप, इधर शरीफा का पेड़, उधर आम का पेड़, और भी इधर गार्डन में पेड़ हैं, आम के पेड़ लगे हुए हैं, इधर अमरूद के पेड़, अमरूद भी फले हुए हैं अभी। और गैज इस जगह से बाहर के नज़ारे में मैं दिखाना चाहता हूँ। तो गैज ये जगह जो देख रहे हैं ये बाहर का नज़ारा है मेरे नानी घर का। ये तालाब, इकलौता तालाब यहाँ पे आसपास में, खैर यहाँ पे आपको चित्रपुर में बहुत सारे तालाब मिल जाएंगे, जिसमें से एक फेमस तालाब ये भी है। आपने बड़की पोना तो देखा ही होगा, जहाँ पे मेरा बचपन बीता हुआ था, स्कूल जहाँ पे मैं जाया करता था। तो वहाँ के जितने भी लोग हैं ना वो इसी तालाब में आते हैं नहाने के लिए, या फिर आप कह लो कि जो दुर्गा मूर्ति का विसर्जन होता है, माँ दुर्गा जी के प्रतिमा का, तो वो इसी तालाब में होता है। और उधर खेत होती हैं, और उधर एक प्लेस है जहाँ पर हमें अभी जाना है। ये जो पोल्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ट्रेन गुजरती है, और वो ट्रेन जाती है कोलवासरी, जो आपने चित्रपुर का ब्लॉक देखा होगा, उस ब्लॉक में आपने जो देखा होगा मेरे बैकग्राउंड में जो भी ब्रिज थी वो उसी ब्रिज की ही थी, उसी रेलवे लाइन की थी। तो ये और कभी यहाँ पे ट्रेन हादसा हुआ था जो कि ट्रेन गिर गई थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है देखने योग्य। फाइनली आई पैक माई बैग एंड टाइम टू से बाय बाय नानी। आवे नानी, ठीक है, ए बाय करो, बाय करो, इधर टाटा करो, टाटा करो, इधर टाटा करो हमको, टाटा टाटा। सो गाइस अभी जैसे मैं निकल रहा था ना, तो मेरा छोटा भाई जो है, हाँ हाँ फिर आऊँगा, कभी भी कह रहा है कि फिर आना, जाओ, हाँ ठीक है, फिर आऊँगा, फिर आऊँगा। तो गाइस अभी बस निकल रहे हैं। ये फील आप समझ सकते हो जब आप थोड़ी दिन एक्सपेंड करने के बाद आप अपने रिश्तेदारों से दूर होते हो, या फिर घर जाते हो, या फिर कहीं पर भी जाते हो, तुमको मन नहीं करता जाने का। हाँ यही फीलिंग मेरे साथ अभी भी। गाइस ये रोड, एक रोड में कुछ बताने वाला था मैं, जो आप बड़की पोना कर रहा था यात्रा आप देख रहे थे ना, तो इस रोड से चित्रपुर बाजारटांड से होते हुए इस रोड से आप बड़की पोना रथ यात्रा की ओर जा सकते हैं। और ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये वॉल के पीछे कब्रिस्तान है, और मतलब कब्रिस्तान के बगल में करबला मैदान है। तो अब हम इस रास्ते से जा रहे हैं, इस रास्ते से
बाजार टाउन छतरपुर की ओर। तो ये जो आसपास का जितना भी आप माहौल देख रहे हैं, ये लैंड्स देख रहे हैं ना, सालों में खेती होती है और सालों भर खेती होती है। उधर आम के बगीचे हैं जहाँ के आम, ओह क्या कहना। आज छतरपुर में बाज़ार का दिन है। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया होगा आपको, छतरपुर वाले ब्लॉग में, कि संडे और थर्सडे को इधर मार्केट लगती है और काफ़ी अच्छा बाज़ार लगता है। तो आज थर्सडे को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये जहाँ पे मैं अभी पहुँच चुका हूँ, जब भी अगर आप इस जगह पे घूमने के लिए आना चाहते हैं तो इसी जगह पे है वो, अंदर थोड़ा सा जगह पे जा कर के ये साइड में वो डेस्टिनेशन हमारा। तो ये शॉप और ये पेड़ है, ये याद रखिएगा जब भी आपको आना पड़ेगा। तो उधर से आने के बाद आप किसी से भी पूछो छतरपुर में आने के बाद कि कभी यहाँ पे पुराना हॉस्पिटल रहा करता था, मिशन का हॉस्पिटल पूछिएगा तो आपको ज़रूर बताएगा। तो चलते चलते मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। इस तरह के रास्ते हैं, आपको कटहल के पेड़ मिलेंगे, गुलमोहर के पेड़ मिलेंगे और ये है ऑर्बिट प्लेस। एक मतलब इसको एक धरोहर की तरह आप देख सकते हैं, इतने दिनों से पड़ा हुआ ये अस्पताल और इस अस्पताल की इंफ्रास्ट्रक्चर गजब का है। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने अपने लाइफ में जहाँ तक मैं घूमा हूँ वहाँ तक कभी भी किसी भी अस्पताल का स्ट्रक्चर इस तरह नहीं देखा। देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे बातों बातों में ऐसा पता चला है कि ये भी जो मैं देखने लग रहा हूँ इस वक्त अस्पताल, ये मिशन और DU कंपाउंड जो छतरपुर वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था। वैसे मैं जितने भी ब्लॉग के नाम ले रहा हूँ ना आपके सामने, छतरपुर का ब्लॉग या फिर बगलता पहाड़ का ब्लॉग, तो उनकी सारे ब्लॉग की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था इस अस्पताल के बारे में कि कहीं मैंने इस तरह के अस्पताल नहीं देखे, और ये जो स्ट्रक्चर किया गया है, इसको जो बनवाया गया है, ये DU कंपाउंड में जो भी मिशन के लोग थे जिन्होंने एक ट्रस्ट चलाया था उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो बहुत कुछ सुनने को मौका मिला हुआ था। खैर सबसे पहले हम इसको जो कैमरा है उसको अंदर लेकर के जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है सामने से। इस वक्त मैं जा रहा हूँ इसके अंदर। तो मैं बात कर रहा था कि मैंने कभी नहीं देखा ऐसा स्ट्रक्चर अस्पताल, और अभी क्या हालात हो गई हैं इस जगह के देख सकते हो आप, काफ़ी बुरी हाल में है। देख रहे हैं आप, ये देखने से तो बिल्कुल एक मस्जिद की तरह लगता है। 3 से 5 गुंबद है कम से कम इस अस्पताल में, और अभी जैसा हालात लग रहा है यहाँ के देख के, और जिस हालत में है ये, मतलब भूतिया लग रही है यह जगह। खिड़कियाँ टूटे हैं, दरवाजे टूटे हैं, बिकॉज कुछ अंदर के नज़ारे हैं। वैसे तो दरवाजे यहाँ पे बंद है, बट खिड़कियाँ जो भी खुली हुई है उससे मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ अंदर का कैसा स्ट्रक्चर दिखता है इस हॉस्पिटल का। कोई है क्या यार, ये सच में डरावना लग रहा है, काफ़ी डरावना लग रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। मैं तो हिम्मत कर गया, मुझे नहीं लगता कि कमज़ोर दिल वाले हिम्मत करेंगे भी यहाँ पे आने के लिए। खैर मैंने ना तरह तरह के भ्रांतियाँ सुनी है इस अस्पताल के बारे में, मतलब ये हॉस्पिटल के बारे में बहुत तरह तरह की चीज़ें सुन रखी कि हॉस्पिटल अभी ऐसा हो गया है, हॉस्पिटल अभी ऐसा हो गया था, कभी भूत की आवाज़ें, कभी ऐसे कभी वैसे, मतलब बहुत तरह तरह की चीज़ें मैंने सुन रखी है हॉस्पिटल के बारे में। अफकोर्स ये हॉस्पिटल बड़ा है और जिस हालात में है अभी उस हालात के अनुसार से कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहेगा, और ज़रूर सबको समझेंगे कि हॉस्पिटल काफ़ी डरावना है यार। हॉस्पिटल के गुंबदों के पास आप पेड़ उगे हुए देख सकते हैं, ये खिड़कियाँ टूटी हुई। बात करने में पता चला है यहाँ के आसपास के लोगों से कि आज से तकरीबन 20 साल हो गए इस हॉस्पिटल को बंद हुए, ऐसी खिड़कियाँ टूटी पड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसा हो चुका है इस हॉस्पिटल का हालात कि देख करके ही डर लगता है। तो सोचिए आप, रात को अगर ये यहाँ पे कोई मतलब यहाँ से गुजरे और कोई आवाज़ भी आए तो पक्का ये सोचेंगे कि हॉस्पिटल भूतिया है। इतनी डरावनी हॉस्पिटल रामगढ़ में आपने कभी नहीं देखी होगी, मतलब ऐसा लोग बातें करते हैं। खैर चाहे जो भी हो, पर मेरा मकसद था कि मैं इस हॉस्पिटल को देखूं और आपको भी दिखाऊं, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया हॉस्पिटल है और अंग्रेज़ ही बनाए थे इस हॉस्पिटल को, स्ट्रक्चर किए थे, जो आज भी बिल्कुल सही सलामत तो दिखती है। और अगर मुझे लगता है कि इसकी मरम्मत की जाए, रख रखाव की जाए, तो ये आज भी एक बड़ा हॉस्पिटल के रूप में यहाँ पर दिख सकता है। मैं पूरे पीछे में आ चुका हूँ इस मस्जिद नुमा
या फिर मस्जिद की आकृति का बना हुआ इस पुराने ब्रिटिश के ज़माने के हॉस्पिटल में। ये जो जगह देख रहे हैं, जो अभी इस वक्त गौशाला में तब्दील हो चुका है, यहाँ पे गाय बंधे हैं, ये कभी दवाखाना हुआ करता था, मेडिकल। इस हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं बियर के बोतलें रखे हुए हैं, मतलब लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार से इसे मॉडिफाई कर दिया है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको देखने से लगता है कि उस टाइम का कभी कोई वॉशरूम होगा या फिर कुछ होगा कुछ इस प्रकार से। एक पल के लिए कोई नया इंसान अगर आ जाए इस जगह पे, तो वो पक्का बोलेगा कि ये भूतिया महल है, ये कोई हॉस्पिटल नहीं, ये भूतिया महल है। पर मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि मैंने बचपन से अपनी मम्मी से, अपने नाना जी से इस हॉस्पिटल की गुण गाते हुए सुना है, उनसे, उनके मुँह के द्वारा। वो हमेशा से इस हॉस्पिटल के बारे में चर्चा करते रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया हॉस्पिटल था, सप्ताह में एक दिन उपचार किए जाते थे यहाँ पे, पर थोड़ी मोड़ी जो भी जुकाम, सर्दी जुकाम या फिर जनरल फ्लू होता है, उसकी तो दवाइयाँ यहाँ पे मिलती रहती थी। बहुत कुछ सुना हूँ, इसके साथ ही सुना हूँ कि साल में एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था, जो कि सरकार की तरफ से वो सुविधाएँ दी जाती थी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ के बारे में मैंने सुन रखा था, तो मैंने सोचा कि मुझे एक ब्लॉग इसमें बनाना चाहिए। सो गाइस, बिल्कुल मैं इसको कह सकता हूँ इस तरीके से, ये सबसे डरावने जगहों में से एक है। बट फिर भी मैं बताता हूँ गाइस कि इसको सरकार को तब्दील करना चाहिए छोटे मोटे हॉस्पिटल के रूप में, जो कि गाँव के सेवा में उपलब्ध रह सके, और यहाँ पे डॉक्टरों का भी रिक्रूट होना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये चीज़ें होनी चाहिए थी, बिकॉज़ अभी भी इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, मुझे लगता है जिस तरीके से बनाया गया है कि अभी भी ये यूटिलाइज करने योग्य हैं, यूटिलाइज किए जा सकते हैं। जो भी सरकार फंड रिलीज करती है दूसरे हॉस्पिटलों को बनाने में, उससे अच्छा है कि इसका मरम्मत करवाया जाए, और यहाँ पे मतलब यहाँ के गाँववासियों के लिए इसे एक छोटा सा हॉस्पिटल के रूप में बदलना चाहिए, इसको रूपांतरित करना चाहिए, इसे मॉडिफाई करना चाहिए। खैर, ये चीज़ें तो मेरे मन से आ रही है, ये आवाज़ें मेरे मन से आ रही है, आप क्या सोच रहे हैं गाइस, प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बिलीव है कि बहुत सारे चितरपुर के, मतलब इस जगह के लोग भी इस जगह पर शायद ही आते होंगे या फिर शायद ही इसके बारे में सुने होंगे। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि ये जगह थोड़ा सा हाईलाइट हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को भाई शेयर कर देना, और भाई हूँ आपका, मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। खैर, ये बाहर आ चुका हूँ, सन बिल्कुल मेरे अपोजिट में, मतलब अब मेरे फेस में डायरेक्ट सन पड़ रहा है, तो मुझे भी थोड़ी धूप लगने लग रही है। और जैसे कि मैं बताया था कि यहाँ पे अंग्रेज़ रहते थे और अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, तो चितरपुर वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि जब चर्च में दिखा रहा था तो अंग्रेज़ों के भी घर दिखाए थे, मकान दिखाए थे। और ये जो जगह देख रहे हैं ना, ब्रेंट तिर्की कभी इस जगह के किंग रहा करते थे, आसपास के गांव में वो मतलब बड़े पूजे जाते थे, एक अच्छे इंसान। ये खूबसूरत सा जो घर देख रहे हैं ना, ये अब घर समझने की भूल ना कीजिएगा, ये कभी एक समय में महल हुआ करता था, और यहाँ पे बनेट नाना जो हैं उनके कुत्ते रहा करते थे, मतलब डॉग। सो और ये जगह जो जाती है, ये पहले मेरे नानी घर की ओर जाती थी, जहाँ से मैंने अभी अपनी जर्नी इस ब्लॉग में स्टार्ट की है। सो गाइस, ये था इस जगह का खूबसूरत सा डेस्टिनेशन, काफ़ी एंशियंट था, इसी वजह से मैंने सोचा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, एंड आई मेड इट। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ और ऐड करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला हूँ बहुत सारे वीडियो में कुछ ऐड करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं वहाँ पे पिन कर दूंगा, बिकॉज मैं भी यहाँ का नहीं हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस जगह को प्रमोट करूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एंशियंट प्लेस है जहाँ पे लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए, और मेरे ख्याल से इन जगहों को एक्सप्लोर करने में आपको बहुत अच्छा ही लगेगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं आपको एक नए यात्रा में, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, एंड प्लीज़ कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग, पीस।